गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस ऑफ स्काई इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप्स इन जियोग्राफी. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल ऑफ यू टेक पेंसिल्स इन योर हैंड एंड लेट्स स्टार्ट विथ मी. ओके, फॉर दैट, फॉर लेसन नंबर टू, यू ऑल जस्ट ओपन पेज नंबर 119. नाउ लेट्स स्टार्ट. The shape of the earth is spherical, which makes it difficult for us to locate the places on it. जो अर्थ है वो हमारा किस शेप में है? स्फेरिकल शेप में है, जिसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत होती है इस पे प्लेसेस को शो करने में. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जियोग्राफर्स हैव डेवलप्ड सम टूल्स लाइक ग्लोब्स एंड मैप्स, विच हेल्प इन लोकेटिंग प्लेसेज एंड अंडरस्टैंडिंग द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ. तो जो है अर्थ पे हमको कोई चीज़ जो है लोकेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसीलिए उन्होंने अर्थ के मॉडल के तौर पे कुछ चीज़ें बनाई, उसी के कुछ चीज़ों को डेवलप किया जिससे कि वो किसी जगह को जो है और शो कर सकें और उसके शेप एंड साइज को समझ सकें. जैसे कि उन चीज़ों में क्या था? ग्लोब्स एंड मैप्स. अब हम सबसे पहले इसलिए ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट, यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्लोब. ओके, द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, अर्थ लाइक, विच इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्गिंग एट द इक्वेटर. कह रहा है कि ये जो हमारा ग्लोब होता है वो जियोइड शेप में होता है, और जियोइड शेप का मतलब होता है फ्लैटेंड एट द पोल. जो पोल्स है ध्रुवों पे ये चपटी है, और बीच का जो पार्ट है इक्वेटर वाला वहाँ पे बल्कि मोटा टाइप का है. ठीक है, अ ग्लोब इज एन एक्यूरेट थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. ये जो है अर्थ का बिल्कुल एक्यूरेट थ्री डायमेंशनल तीन विमाओं वाला जो है ये मॉडल है. Which is mounted on a tilted shaft so that it shows the inclination of the earth's axis and rotation. यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है ये इन दो पॉइंट्स पे ये टिका हुआ है और ये झुका भी है. ये दिखाता है कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे, अपने धुरी पे झुकी हुई है, जिससे हम उसका रोटेशन भी, हम उसको आसानी से ऐसे घुमा के इसको रोटेशन को देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट शोज द रिलेटिव शेप, साइज एंड डायरेक्शन ऑफ ओशियंस एंड कंटिनेंट्स. अर्थ पे जो है ये ग्लोब पे, ग्लोब के हेल्प से जो है हम ओशियंस को, कंटिनेंट्स को जो है ग्लोब पे बहुत इजीली उसके शेप, साइज को, डायरेक्शंस को देख सकते हैं. ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड. अगर रोटेशन को समझना है कैसे डे नाइट होता है, तो हम ग्लोब के हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. अ ग्लोब हाउएवर हैज सम लिमिटेशंस. बेटा, हर चीज़ में कुछ कमियाँ होती ही हैं, तो ग्लोब की भी अपनी लिमिटेशंस हैं. इट इज़ एक्सपेंसिव, ये महंगा है. बल्कि एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी और स्टोर. बल्कि है, मोटा है, इसको कैरी करना जो है क्या है, डिफ़िकल्ट है. इट के नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट लैंड फॉर्म्स, वेजिटेशन, सॉयल, क्लाइमेट कंडीशन, ट्रांसपोर्ट रूट एंड एग्रीकल्चर. मतलब ये हमको नॉलेज तो देता है, कंटिनेंट्स और ओशंस की जानकारी देता है, लेकिन जो ये कह रहे हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, ये हमको विस्तृत तौर पे जो है इन सब चीज़ों की जानकारी, लैंडफॉर्म्स, जमीन, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, जलवायु कैसी है, वहाँ का जो यातायात के साधन है कैसे हैं, कृषि कैसा है, इसके बारे में हमको विस्तृत जानकारी ये नहीं देता है. दीज डेज हाउएवर इन्फ्लेटेबल एंड फोल्डिंग ग्लोब्स आर अवेलेबल. ये तो नॉर्मल ग्लोब है हमारा, लेकिन आजकल जो है मार्केट में फोल्डिंग ग्लोब्स भी अवेलेबल है, जिसको हम कैरी करना थोड़ा इजी है, बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, मैप्स. द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा मीनिंग क्लोथ. ठीक है, मैप वर्ड कहाँ से निकल के आया? एक लैटिन वर्ड मप्पा से निकल के आया, जिसका मतलब होता है कपड़ा. एज मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट मैप्स वर ड्रॉन ऑन एनिमल स्किन क्लोथ्स और पर्चमेंट, अ मैप इज अ टू डायमेंशनल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फिजिकल एंड ह्यूमन फीचर्स ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्विस. ये टू डायमेंशनल है, लंबाई चौड़ाई सिर्फ इसमें होती है. इसमें हम किसी भी पार्ट को जो है शो कर सकते हैं, फिजिकल को भी और ह्यूमन फीचर्स को भी हम इसमें दिखा सकते हैं. मैप्स कैन शो माइन्यूट डिटेल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. इसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम किसी भी लैंड फॉर्म के, रोड्स के, रेलवेज, टाउन्स एंड विलेजेस के छोटी छोटी चीज़ को हम किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल सिम्बल, सिम्बल्स के हेल्प से हम दिखा सकते हैं. बेटा, हम आगे के अभी पैराग्राफ्स में क्लियर करेंगे कि ये कन्वेंशनल सिम्बल्स क्या हैं. कुछ इंटरनेशनल साइन होते हैं जिसको हम कन्वेंशनल सिम्बल्स कहते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या है ये. दे कैन बी रोल्ड और फोल्डेड, स्टोर्ड एंड कैरीड अराउंड ईजिली. जो मैप है उसको हम आराम से रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, उसको कहीं से कहीं ले जाना बहुत आसान है. अनलाइक ग्लोब्स, एवरी मैप हैज सम डिस्टॉर्शन
बिकॉज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी शोन ऑन अ फ्लैट पेपर विदाउट एरर. जैसे ग्लोब्स की अपनी लिमिटेशंस है, वैसे ही मैप में भी कुछ लिमिटेशंस है. और हम एक फ्लैट सरफेस पे अर्थ का जो अर्थ हमारा कर्व्ड शेप में है, मैप हमारा फ्लैट शेप में है, तो अर्थ के जो कर्व पार्ट को हम एकदम सही एक्यूरेट तरीके से फ्लैट सरफेस यानी कि मैप पे शो नहीं कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैप्स आर इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर नेविगेटर्स. नाविकों के लिए बहुत ये महत्वपूर्ण है और बहुत यूजफुल है. टाउन प्लानर्स के लिए, जियोलॉजिस्ट यानी कि भौगोलिकविद जो है, माइनर्स जो खान में काम करते हैं, और इंजीनियर्स, इनके लिए बहुत जो है ये हेल्पफुल है. इनके हेल्प से ये बहुत सी जानकारी प्राप्त करते हैं. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज. देश की रक्षा के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी मैप्स बहुत ज़रूरी हैं. इन मॉडर्न टाइम्स वेरी एक्यूरेट मैप्स आर मेड बाई कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? जो मैप बनाते हैं. और आजकल के जो मॉडर्न टाइम के जो कार्टोग्राफर्स हैं, ये तो बहुत एक्यूरेट मैप बनाते हैं किसी भी प्लेस का, यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स एंड सेटेलाइट पिक्चर्स टू डेवलप डिजिटल मैप्स ऑन द कंप्यूटर. ये एरियल फोटोग्राफ्स के हेल्प से, सेटेलाइट पिक्चर्स के हेल्प से जो कार्टोग्राफर्स हैं, ये एकदम एक्यूरेट मैप बनाते हैं. द मैप्स आर ड्रॉन बाई अ मेथड कॉल्ड मैप प्रोजेक्शन. जिस मेथड से मैप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट मेथड इज कॉल्ड अ मैप प्रोजेक्शन. अ मैप कैन रिटेन ईदर द करेक्ट साइज ऑफ कंट्रीज और द करेक्ट शेप ऑफ वेरी स्मॉल एरियाज, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम. देखिए, यही लिमिटेशंस है. अगर हम मैप की बात करें तो वो एक बार में या तो करेक्ट साइज के बारे में बता सकता है किसी कंट्री के, या उसके करेक्ट शेप के बारे में. दोनों चीज़ सही हो एक साथ ये संभव नहीं है. एज अ रिजल्ट देयर आर डिस्टॉर्शंस इन द डायरेक्शंस एज वेल एज डिस्टेंस इन द मैप. इसीलिए जो है मैप में जो है इनके बीच में कुछ डिस्टॉर्शन होता है डिस्टेंस और डायरेक्शंस के बीच में. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अ पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया. यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है. अब आइए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैप, मैप कितने तरह के होते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स प्रोवाइडिंग वेरियस इन्फॉर्मेशन. मैप कैन बी क्लासिफाइड इनटू, मैप्स कई तरह के होते हैं जो हमको अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन देते हैं. अब आइए हम देखते हैं कि मैप्स एक्चुअल में होते कितने तरह के हैं. सबसे पहले दे रहा है फिजिकल मैप. जियोग्राफिकल फीचर्स सच एज माउंटेन रेंजेस, पीक, प्लेट्यूज, हिल, प्लेन्स, ओशन, सीज एंड रिवर्स आर शोन इन दिस टाइप ऑफ मैप बाई यूजिंग डिफरेंट कलर्स. जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको हम फिजिकल मैप्स में शो करते हैं अलग अलग कलर्स का यूज़ करके. ठीक है, फिजिकल मैप मीन्स नेचुरल थिंग्स. पोलिटिकल मैप, दे शो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दैट डिवाइड्स अ कंट्री, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट एंड और विलेज, कैपिटल्स एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज. जो ये सब जो बाउंड्री शो करता है, बाउंड्रीज को शो करता है, ये हमारा कौन सा है? ये हमारा पॉलिटिकल मैप है. पहला फिजिकल, दूसरा पॉलिटिकल, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज थीमेटिक मैप. दे शो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर थीम इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर थीम को ये जो है दिखाते हैं, उसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करते हैं. दिस कुड बी पॉलिटिकल, सोशल और जियोग्राफिकल, लाइक वेदर मैप, पॉपुलेशन मैप, टूरिस्ट मैप एंड डिस्ट्रीब्यूशनल मैप. ये कोई भी इसमें से हो सकते हैं. तो हम लोगों ने देखा बेटा, यहाँ पे तीन तरह के मैप हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप. ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, एटलस. एंड एटलस इज अ बुक ऑफ मैप. जो मैप की बुक होती है, मैप्स की बुक होती है, उसको हम एटलस कहते हैं. द वर्ड एटलस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजिकल जेंट Who was asked to lift the heavens on his back. ये जो एटलस है, ये एक माइथोलॉजिकल जेंट के नाम पे जो है, इस बुक का नाम एटलस पड़ा था, जिनको के किस लिए, जिनसे क्या कहा गया था कि टू लिफ्ट द हेवन ऑन हिज बैक, अपने पीठ पे हेवन को उठाने के लिए. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 121 एंड फॉर द न्यू हेडिंग, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप. अब देखते हैं कि हमारे मैप के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जो एसेंशियल जरूरी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं. ऑल मैप्स हैव सम कॉमन एसेंशियल एलिमेंट्स दैट हेल्प अस रीड, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिटेट देम. जो है हर मैप में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए और उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. दीज एलिमेंट्स आर टाइटल, डायरेक्शन, स्केल, लीजेंस एंड ग्रिड. इसमें क्या क्या होता है इसको हम अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ेंगे. सबसे पहला है टाइटल. टाइटल मतलब क्या होता है, उसका क्या विषय है, क्या नाम है मैप का. द टाइटल इज द नेम ऑफ अ मैप एंड जनरली एक्सप्लेन्स इट्स मेन पर्पज.
टाइटल मतलब उस मैप का जो है नाम जो होता है, और वो ये शो करता है कि ये मैप किस पर्पज से बनाया गया है. इट इज जनरली शोन इन अ लार्ज लेटर्स एज अ हेडिंग ऑफ ऑन टॉप. अगर कोई भी मैप बना रहा है तो उसके टॉप पे उसका नाम लिखा रहता है और ये बड़े बड़े लेटर्स में टॉप में लिखा होता है जो टाइटल मतलब उसको मैप का नाम क्या है, किस पर्पज से बना है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एलिमेंट. द नेक्स्ट एलिमेंट इज डायरेक्शन. द फोर मेन कंपास पॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. हमको पता है ये चार डायरेक्शन होते हैं जिसको हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं. यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, बीच में यहाँ ईस्ट साउथ हो गया, यहाँ पे साउथ वेस्ट हो गया, यहाँ पे और नॉर्थ वेस्ट हो गया. ठीक है. देर आर इंटर कार्डिनल डायरेक्शन सिचुएटेड बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कार्डिनल पॉइंट्स नेमली नॉर्थ ईस्ट. यही कह रहा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट है. ईस्ट और साउथ के बीच में क्या है, साउथ ईस्ट है. साउथ और वेस्ट के बीच में क्या है, साउथ वेस्ट है. वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या है, नॉर्थ वेस्ट है. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस. डायरेक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्थ साउथ लाइन. ऐसे नॉर्थ दिखा के मैप के कॉर्नर पे ऐसे दिखाता है जो हमको दिखाता है कि ऊपर नॉर्थ है, तो हम खुद ही समझ जाएंगे नीचे साउथ होगा, राइट में इसका ईस्ट होगा और लेफ्ट में इसका वेस्ट होगा. एन एरो विद द लेटर एन इज प्रिंटेड इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द मैप विच पॉइंट्स टू द डायरेक्शन नॉर्थ. ये नॉर्थ की तरफ शो करता है. अब आइए हम आते हैं लीजेंड्स की पे, जो मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको कन्वेंशनल सिंबल्स आगे बताऊंगी, वही हमको यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेगा. द लीजेंड और की एक्सप्लेन्स द मार्क्स और सिंबल्स दैट आर यूज इन द मैप. मतलब मैप में हम कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं, कुछ लेटर्स को यूज करते हैं, कुछ मार्क्स को यूज करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कीज या लीजेंड कहते हैं. देयर इज नॉट एनफ स्पेस ऑन द मैप टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ फीचर्स लाइक ब्रिज, डैम, फॉरेस्ट एंड रेलवे ट्रैक्स. इतना बड़ा तो हम मैप बनाते नहीं कि किसी पुल को एकदम एक जैसा पुल है उतना लंबा दिखा सकें. सो डिफरेंट सिंबल्स, लेटर्स एंड कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. इसलिए हम अलग अलग सिंबल्स का, लेटर्स का और कलर्स का यूज करते हैं कि जिसके हेल्प से हम इन चीज़ों को मैप पे ईजिली शो कर सकें. कार्टोग्राफर्स यूज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड साइंस एज एंड सिंबल्स कॉन कन्वेंशनल सिंबल्स. इन ऐसे ही जो कार्टोग्राफर्स हैं वो कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं जो इंटरनेशनली हैं, एक्सेप्टेड हैं, वो दुनिया के किसी भी भाग में उस सिंबल्स को एक ही तरीके से पढ़ा जाता है. इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेंशनल सिंबल्स. कॉन्वेंशनल कलर्स आर यूज टू शो सर्टेन रियल लाइफ फीचर्स बाई अ स्कीम ऑफ लेयर कलरिंग. लाइक ब्लू हम किस लिए शो करते हैं, किसी ओशन के लिए या किसी भी वाटर बॉडीज के लिए. ग्रीन हम कब शो करते हैं, ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है, प्लेन्स. अपलैंड्स को हम येलो से और माउंटेन्स को ब्राउन कलर से शो करते हैं. स्नो एंड आइस इज वाइट एंड मैन मेड फीचर्स आर शोन इन रेड. तो ये बेटा ये कॉन्वेंशनल सिंबल्स हैं, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं. कहीं भी अगर ग्रीन है मतलब कि वो हमारा प्लेन है, कहीं भी ब्लू है मतलब वो हमारा वाटर बॉडीज है, कहीं भी वाइट है मीन्स स्नो एंड आइस है, और कहीं भी रेड कलर है मीन्स कि वो मैन मेड फीचर्स हैं. जैसे यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल्स दिया गया है, यहाँ बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को मैसेज शो करते हैं, ठीक है, स्टेट बाउंड्रीज को मैसेज शो करते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को हम इस तरीके से शो करते हैं. अब रोड, ये मेटल रोड है, ये अनमेटल रोड है, ये फुटपाथ है, ये हमारा कार ट्रैक है. इस पेज को आप इस चीज़ को जो ये कन्वेंशनल सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देखिए रेलवे बोर्ड गेज को देखिए, रेलवे बोर्ड गेज को, मीटर गेज को देखिए, यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग को देखिए, ब्रिजेस को. अब पूरा ब्रिज बनाएंगे हम, कितना लंबा ब्रिज है, तो उससे अच्छा है कि हम ये सिंबल बना देंगे और पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ब्रिज है. ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा कन्वेंशनल सिंबल्स था. आइए हम नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं. अगला एलिमेंट है हमारा स्केल. द स्केल ऑफ अ मैप इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ मैप बिटवीन टू पॉइंट्स एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेज ऑन द ग्राउंड. किसी मैप पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी और एक्चुअल अर्थ पे उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को जो है हम के रेशियो को हम स्केल से शो करते हैं. स्केल इज शोन बाय ड्राइंग ऑन अ ग्रेजुएटेड लाइन ऑन अ मैप. फॉर इंस्टेंस इफ द स्केल ऑफ अ मैप इज 1 centimeter इज इक्वल टू 5.4 kilometer एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 5 centimeter देन द एक्चुअल डिस्टेंस इज 5.4 is 20. अगर हम मैप पे हम लिख रहे हैं कि 1 centimeter इज इक्वल टू 4 kilometer और मैप पे वो टोटल 5 centimeter का है, तो एक्चुअल में वो 5.4 is 20 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसीलिए हम स्केल लेते हैं, क्योंकि उतनी लंबी एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस को तो हम मैप्स पे दिखा नहीं सकते ना बेटा.
Three types of scales shown on a map are verbal scale, linear scale and representative fraction. On the basis of scale, maps can be categorized as. अब देखिए स्केल के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो मैप कितने तरह का होता है. अभी तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैप देखा था, बट स्केल के अकॉर्डिंग पहला दे रहा है लार्ज स्केल मैप एंड द नेक्स्ट वन इज स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. पहले हम स्मॉल स्केल मैप देखेंगे. मैप्स दैट रिप्रेजेंट लार्ज एरियाज ऑफ द अर्थ एंड शो लेस डिटेल्स आर कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप. Maps in an atlas are shown this type. In such a map, a distance of 1 centimeter may represent 5000 kilometer on the ground. For example, on a world map. मतलब क्या है? कह रहा है इसको कि maps that represent large area on the earth and show less details are called. मतलब बहुत बड़े भाग को, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग को शो कर रहा हो और उसके बारे में जो बहुत less detail दे, ये हमारा small scale map है. और ठीक उसका उल्टा large scale map क्या होता है? अर्थ के छोटे से पार्ट को शो कर रहा हो और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हो, तो ये हमारा क्या है? लार्ज स्केल मैप. आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है. स्मॉल स्केल मैप्स में हमारा वर्ल्ड मैप आता है, ठीक है. और लार्ज स्केल मैप में अगर आप देखिए तो डिस्ट्रिक्ट मैप देख सकते हैं, छोटे से डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है लेकिन उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है. वर्ल्ड मैप में हम पूरे वर्ल्ड मैप को शो कर देते हैं लेकिन हमको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. अगला हम देखते हैं ग्रिड, ठीक है. स्केल के बाद आया ग्रिड. द नेटवर्क ऑफ इमेजिनरी लाइंस ऑन द मैप्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल इज कॉल्ड ग्रिड. बेटा ग्लोब पे कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल होती हैं. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जहाँ 90 डिग्री पे, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रिड. द लाइंस विच रन हॉरिजेंटली आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड. जो हॉरिजेंटली पड़ी लाइन, पड़ी रेखा, जो इस तरह की लाइन होती है उसको हम पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स कहते हैं. और वेयर आर वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. वर्टिकल जो सीधी होती है इसको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. वी यूज अ ग्रिड टू हेल्प अस डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस डायरेक्शन और लोकेट अ फीचर ऑन अ मैप ऑन अ ग्लोब. ग्रिड का जो है हम हेल्प लेके हम ग्लोब पे किसी भी जगह के एकदम पर्टिकुलर लोकेशन को हम बता सकते हैं. Okay, students, now come on the next heading. The next heading is a sketch. A sketch is a rough diagram of an area based on memory and spot observation. Sketch क्या है? Sketch किसी जगह का rough diagram है. जितना हमको याद रहता है, जितना थोड़ा बहुत हम उसको observe किए रहते हैं, उसके according हम उसका एक sketch बना देते हैं. It is brief, general and often inaccurate. हम बनाते तो बहुत briefly है, लेकिन ये अधिकतर ये क्या होता है? Inaccurate होता है, सही नहीं होता है. इट मे नॉट हैव कन्वेंशनल सिम्बल्स. इसमें कोई कन्वेंशनल सिम्बल हो सकता है इसमें ना हो. इट इज़ नॉट ड्रॉन ऑन अ स्केल. इसका कोई स्केल भी नहीं होता है कि 1 centimeter इज इक्वल टू 3 kilometer या कुछ भी ऐसा. एक रफ स्केच बनाते हैं. इट के नॉट शो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक्यूरेटली, नॉट डज इट शो द ऑल डिटेल्स. इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन भी एक्यूरेट नहीं होते और ये कोई बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी नहीं देता है. However, it is quite useful in expressing an idea in a hurry. It helps us to direct a person or to an unknown place and give a general idea. क्या है ये? जल्दी जल्दी मगर हम किसी को कुछ बता रहे हैं, कोई आइडिया देना होता है तो हम एक स्केच देते नहीं है. तो अपने घर से निकलो, लेफ्ट जाना, फिर वहाँ से सीधे 10 कदम जाओगे तो फिर बाएं तरफ ऐसे है. तो अगर हम किसी को बहुत जल्दी जल्दी कोई मतलब ऐसे ही दे रहे हैं वो आइडिया, तो उसके लिए स्केच ठीक है और ये बहुत एक्यूरेट नहीं होता है. स्केच मतलब रफली जो हम बना देते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग इज प्लान्स, ठीक है. प्लान क्या होता है? देखिए, अ प्लान इज अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ द हॉरिजेंटल लेआउट. हॉरिजेंटल लेआउट पे जो हम एक डिटेल्ड ड्राइंग बनाते हैं वो किसी बिल्डिंग का, पार्क का, रूम का या स्मॉल एरिया का हो सकता है, जैसे कि मार्केट, हाउस कॉम्प्लेक्स या किसी ऑफिस का, जिसमें स्केल होता है, जिसको हम किसी स्केल पे बनाते हैं, विच इज ड्रॉन टू स्केल. अ प्लान इज वेरी एक्यूरेट. प्लान बिल्कुल सही होता है, शोज करेक्ट मेजरमेंट डायरेक्शन एंड गिव्स एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द कंडीशन ऑन द ग्राउंड. ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंडीशन पे स्केल इसका बिल्कुल सही होता है. किसी जगह का प्लान होता है, अगर वो लिखा है 1 kilometer टर्न टू लेफ्ट तो बिल्कुल एक्यूरेट होगा. अ प्लान यूजेज अ कंपेरेटिवली लार्जर स्केल, लाइक 1 centimeter इज इक्वल टू 1 meter. ये थोड़ा बड़ा स्केल लेके चलता है लेकिन ये एक्यूरेट होता है. अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे दिखा रहा है मैप, स्केच और प्लान का एरिया कवर्ड. मैप हमेशा लार्ज एरिया पे, स्केच में भी स्मॉल और लार्ज एरिया. प्लान स्मॉल एरिया का होता है, लाइक किसी बिल्डिंग, पार्क या रूम का. फिर मैप के लिए स्केल देखते हैं. ड्रॉन ऑन एन एग्जैक्ट एंड स्मॉल स्केल मैप जो होता है,
स्केच का कोई स्केल नहीं होता है, और प्लान जो होता है वो भी ड्रॉन ऑन एन एग्जैक्ट एंड लार्ज स्केल, एग्जैक्ट मैप का और प्लान का एकदम एग्जैक्ट स्केल होता है, लेकिन स्केच का कोई स्केल नहीं होता है, ठीक है। एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में देखिए, जो मैप होता है फ्यू डिटेल्स शोन, मैप हमको कुछ जो है इन्फॉर्मेशन देता है। स्केच में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, किसी से हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, सिर्फ उसका स्केच बना के हमको दे देता है, और जो प्लान है वो हमारा एग्जैक्ट डिटेल्स देता है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट इट वॉज अ वेरी नाइस चैप्टर, अगेन इट इज़ माई एडवाइस दैट गो थ्रू द चैप्टर ट्वाइस थ्राइस, देन यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर। दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, यू ऑल जस्ट रिवाइज इट। स्टे योर होम एंड स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स।